कृष्णा प्रभु जी मान जी, सबको स्वागत है। और मैं आभारी हूँ सबको मेरे को ये मौका देने के लिए। मैं वैष्णव से मेरे को आभारी हूँ, कृपा से मेरे को एक मौका मिला भगवान के बारे में कृष्ण के बारे में। मैं तो डिजर्व नहीं था, हमारे जितना मर्सीफुल उनके बारे में हम देखेंगे आज, जितना मर्सीफुल कृष्णा और माधव, कितना मर्सीफुल उनका मर्सी बहुत जरूरी है। उनके मदद की वजह से हम कृष्णा कॉन्शियस में रह सकते हैं, नहीं तो हमको कोई भी देर इज अ इन्फ्लुएंस, इट्स कॉल्ड थ्रोइंग इन द प्रेक्षात बिका मींस थ्रोइंग मींस थ्रो कर सकता है। तो कृष्णा का एनर्जी है, वो बहिरंग शक्ति है, दो टाइप की एनर्जी है। वो एक बोलते हैं प्रेक्षापिका, प्रेक्षा मतलब ग्लोइंग इन्फ्लुएंस, दूसरा आवरणात्मिका कवरिंग इन्फ्लुएंस। ये दोनों की वजह से हम मेटीरियल वर्ल्ड में आ गए, कवर कर सकते हैं। फ्री महाराज हमको अलाउ कर रहे हैं, इसलिए हम तो इतना वी हैव टू बी सो मच ग्रेटफुल। तो देख क्या होना चाहिए, तो आज आजकल इतना जेंटेट हो रहा है, तो अगले मीटिंग में हम मीट करेंगे नहीं मीट करेंगे मालूम नहीं। महाराज इसलिए बोलते हैं मुझे जाना है, ऐसा सोचना है महाराज हमेशा बोलते हैं ना, इसलिए बहुत जरूरी है हमको। कब कैसे मिलेंगे हम मालूम नहीं। पुनर्भवा, इट्स अ न्यू जन्म व्हेन वी मीट ईच अदर। महाराज वो अबुधाबी आने के बाद महाराज बोल रहा था तो पुनर्जन्म आपका मीट करना, आपका मीट करना। हम पहले नहीं मालूम था क्या होगा कैसे होगा, महाराज बोल रहा था उसमें कैप्टन का गलती हो सकता है, एयरक्राफ्ट का और एयरक्राफ्ट का इंजन का खराब खराब हो सकता है, और कुछ भी हो सकता है, और कस्टम्स का हमको प्रिवेंट कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, हमको अटक के नहीं आ सकता, आपको मिलना नहीं सकता। सो इसलिए पुनर्भवा मीन्स न्यू जन्मा मिलने के लिए। सो इसलिए अभी राजकोट में डिप्यूटी मिलना ये बहुत ये नया जन्मा, क्योंकि अभी कोरोना का वजह से कितना हो गया। अभी देखो रघुवीर प्रभु का मदर देहांत हो गया, और प्रभु जी फादर इज आईसीयू कोविड का वजह से। वी विल प्रे फॉर देम नाउ बिकॉज़ यू नो हमारा रघुवीर कृष्ण प्रभु इज टेकिंग क्लास रेगुलरली। कालचक्र प्रभुस ब्रदर एंड ब्रदर्स वाइफ बोथ आर अफेक्टेड आल्सो बाय दिस कोविड, प्लीज प्रे फॉर देम। इसलिए हमको इतना प्रे करना, नासिम कवच नारायण कवच रोज सब डिवोटीज को सब, बिकॉज सब सर्व सुखिनो भवन्तु, सब सुखी रहना बहुत जरूरी है, इसलिए कृष्णा का प्रे करना हमको तो बहुत बहुत जरूरी है। रोज इतना दुख हो रहा है, वो यूट्यूब में देखो दिल्ली में कैसे हो रहा है, मुंबई में कैसे हो रहा है, यूपी में कैसे हो रहा है, इतना तकलीफ हो रहा है। हम तो आराम से बैठ के सुना रहे, देखो कितना हम अभी कितना दयालु है कृष्णा, हमको ऐसा मुश्किल में रखा है, फिर भी हमको दिल मानता नहीं है। कृष्णा का नाम जप करना, कृष्णा का याद करना, कृष्णा का सेवा करना हमका मन नहीं लगता, तो इसलिए बहुत जरूरी है हमको कि हमको हमेशा ग्रेटफुल रहना, कृतज्ञ रहना बहुत बहुत जरूरी है। तो इसलिए मैं बहुत आभारी हूँ महाराज महाविष्णु गोसाई महाराज बहुत सारा गोविंद राधा नील माधव जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई श्री रानुमन लक्ष्मण जी और शेठ गोस्वामी और प्रहलाद नरसिंहदेव शिल प्रभुपाद एंड नित्यानंदा चैतन्य महाप्रभु का सबका नाम सर्वर शुरू करूंगा। जय राधा माधव। ये मिसले मैं आपको सबके विनती करता हूँ, प्लीज प्रे फॉर सब डिवोटीज। अब नारायण कवचा नरसिंह कवचा रोज पढ़ना सब डिवोटीज के लिए, हमारे लिए नहीं सबको, ये दया सर्वोपदेश के बारे में चर्चा। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी, जय गिरिवर धारी, जय यशोदा नंदना
जय व्रज जन रंजना जय जन रंजना जय यमुन जीरावन चारी जय कुंडारी जय यमुन जीरावन चारी जय कुंडारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे श्री राधा नील माधव धाम की जय श्री गौरनिताय की जय श्री श्री सीतानंद की जय श्री राधा श्री रामचंद्र मूर्ति भगवान की जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुब्रमण्य की जय श्री श्री गौरनिताय की जय श्री नरसिंहदेव भगवान की जय श्री ब्रह्मा की जय श्री गुरुदेव हरि हम कंटिन्यू करेंगे भागवतम फर्स्ट कैंटो सेकंड चैप्टर 28 वर्स ट्रांसलेशन पढ़ेंगे और फोर्ट पढ़ेंगे थोड़ा सा वो एक पैरा पढ़ेंगे बस भूतले स्वयं रूप गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतम् पर्जन सहित कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादा सगण ललिता श्री विशाखाविताश्च हे कृष्ण कर्ण सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्ते तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वांछा कल्पद्रव्यश्च कृपा सिंधुमेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरव भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैस्तिकी बिफोर रिसाइटिंग द श्रीमद् इट्स अ वेरी मीन्स ऑफ कॉन्फ्रेंस वन शुड ऑफर रेस्पेक्ट टू द पर्सन ऑफ नारायण अंटो नारायण जी द सुपर मोस्ट मंडी अंटो मदर सरस्वती द गॉडेस ऑफ लर्निंग अंटो श्रील व्यास देव द ऑथर बाय रेगुलर अटेंडेंस इन क्लासेस ऑन द भागवतम एंड बाय रेंडरिंग ऑफ सर्विस टू द प्योर डिवोटीज All that is absent to the heart is almost completely destroyed. Loving service unto the personal body, who is praised with the transcendental songs, is established as an irrevocable fact. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Yonta Pravishya Mamuvacha Imam Prasuttam. संजीवयति अखिल शक्ति दरस्वताम ना अन्यां सहस्त्र चरण श्रवण भगादी प्राणा नमो भगवते तस्माद् गम्भीर विक्लव ईश्वरस्य सर्वात्मना मयि गृणामि चापनीशम ईचो जया गुण विसर्ग अनुप्रविष्ट ये तेन किमान अनुवर्णितेन नमस्ते सरस्वती जय श्री कृष्ण जय हरि कृष्ण 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 मेरे को बहुत शर्म लगता है बस मर्यादा विधिक्रमा है और सर्वेश्वर प्रभु सीनियर डिवोटीज श्याम सुंदर प्रभु श्यामचरण प्रभु उनके सामने मनोहर प्रभु उनके सामने मैं बोलने का अधिकार नहीं है इसलिए मैं सबको माफी मांगता हूँ
बात करने का हक भी नहीं है मेरे का, फिर भी मेरा प्यूरिफिकेशन के लिए मैं कोशिश करूंगा। ओके, फर्स्ट कैंटो सेकंड चैप्टर 28-29। वासुदेव परा वेदा वासुदेव परा मका वासुदेव परा योगा वासुदेव परा क्रिया वासुदेव परम ज्ञानम वासुदेव परम तपः वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परांगति। इंग्लिश में ट्रांसलेट, द अल्टीमेट ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज इज द कृष्णा, द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। द पर्पस ऑफ परफॉर्मिंग सैक्रिफाइस इज टू प्लीज हिज, प्लीज हिम। योगा इज फॉर रियलाइजिंग all fruitive activities are ultimately rewarded by him only. He is the supreme knowledge and all severe austerities are performed to know him only. Religion dharma is rendering service, loving service to him, unto him. He is the supreme goal of life. So this para regarding knowledge I will study and then we will concentrate. This also for the culture of knowledge. According to Bhagavad Gita, there are 18 items in culturing knowledge. By such culture of knowledge, the one becomes gradually prideless, devoid of vanity, non-violent, forbearing, simple, devoted to great spiritual master, and self-controlled. By culture of knowledge, one becomes unattached to the earth and home and become conscious of the miseries due to birth, death, old age, and disease. And all the culture of knowledge culminates in devotional service to the personality of Godhead Vasudeva. Therefore, Vasudeva is ultimate aim in cultivating all different branches of knowledge. Culture of knowledge leading one to the transcendental plane. Krishna, Bhagavan, Vasudeva ka milne ka yehi hai. This is a real knowledge. Physical knowledge in his various branches is condemned in the Bhagavad Gita as ajnan or the opposite of real knowledge. The ultimate aim of physical knowledge is to satisfy the senses, which means prolongation of the terms of material existence and thereby continuance of threefold miseries. So prolonging the miserable life of material existence is nascence. But the same principle, practical knowledge, leading the way into spiritual understanding helps one win the miserable life of physical existence and begin the life of spiritual existence on the plane of meeting was Srila Prabhupada Transcendental Manvantara. So हम बात कर रहे हैं ईश्वर का ज्ञान प्रकट, हमको ज्ञान प्राप्ति होना है। ये ज्ञान किसके लिए है, ये ज्ञान कैसे हम ग्रहण सकते हैं और रियल ज्ञान क्या है, रियल ज्ञान क्या है वो तो हम देखा है, कृष्णा का सेटिस्फाई करना और कृष्णा का मिलना। कृष्णा का मिलना मीन्स कृष्णा कैसे मिलना है, वही हम तरीका भागवतम से सुना। वही भागवतम का वर्ष है ना 431-19, दया सर्वभूतेषु संतुष्टा येन केन वा सर्वेन्द्रिय उपशांताय तुष्यति आशु जनार्दन। उनके बारे में हम बात कर रहे हैं, दया सर्वभूतेषु, उसके बारे में और चर्चा करेंगे हम, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। हम देखा है अभी महाराज कैसे टाइम स्पेंड किया सबको, उनके बारे में सोचा ही नहीं। सो बेस्ट वे टू बी मर्सीलेस टू आवरसेल्फ, मतलब हमारा ऊपर कोई कृपा नहीं करने का, सबको ऊपर कृपा करना, हमारा शरीर, हमारा मन, हमारा इच्छा का कृपा नहीं करने का। दैट मींस वी शुड बी मर्सीलेस टू आवरसेल्फ्स एंड मर्सीलेस टू अदर लिविंग बीइंग्स। दैट इज द ओनली वे टू शो कंपैशन एंड दैट्स व्हाट महाराज से इतना कंपैशन से वो गौरंगी का सुनना, वो भगवद गीता का ट्रांसलेशन कैसे सीखा हम देखा ना लास्ट में। सो इसलिए ये बहुत जरूरी है हमारे बारे में सोचने का नहीं, हमेशा दूसरा, और उसमें इतना हमको आनंद मिलता है आपको मालूम नहीं। दूसरे के बारे में सोच के हमारे बारे में सोच के टाइम नहीं मिलेगा, टाइम नहीं लगा अच्छा है। हम दूसरों का सेवा करेंगे वो लोग भी खुश होंगे, वो लोग खुश होंगे तो तुष्यति आशु जनार्दन, उनका ऊपर उनका अंदर भी कुछ कृष्णा है ना, कृष्णा प्रसन्न हो गया ना, कृष्णा प्रसन्न हो गया तो वही चाहिए ना। ये ट्रांसेंडेंट प्लेन ऑफ मीटिंग वासुदेव, वो तरीका है कृष्णा का मिलना। कृष्णा का मिलना के हमने सामने आ सकते हैं, आपको कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, क्वालिफिकेशन कुछ भी नहीं है, हमारा क्वालिफिकेशन कुछ भी नहीं है, फिर भी कृष्णा को मांगते हैं हम सामने आना है। सामने कैसे आ सकते हैं, नहीं आ सकते, क्योंकि यही मिलना है, ये नॉलेज, ये ज्ञान
कैसे मिलना है? दया सर्वगुप्त, ये बहुत बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वर्ष जिंदगी भर याद रखना, ठीक है, भूलना मत, क्योंकि यही है। ये दया सर्वभूतेश करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, संतुष्ट रहने के नवा, हमारे बारे में सोचेंगे नहीं, फिर हम संतुष्ट रहेंगे, हमारा हमारे बारे में सोच के टाइम नहीं है, हमारे पास सोचेंगे तो हमको ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, उनके पास है, उनके पास मर्सिडीज बेंज है, उनके पास बेंटली कार है, उनके पास यही कार है, वो कार है, ये कार है, हम सोचेंगे, हमारे पास सोच के टाइम नहीं है, तो क्या होंगे? संतुष्टा येन केन, संतुष्टा येन केन का मतलब क्या है? सर्वेंद्रिय उपशांत है, ऑटोमेटिकली इफ यू आर सैटिस्फाइड देन हमारा इंद्रिया खेलने खेलने खेलेगा नहीं, वो अपने आप सबसाइड हो जाएगा। वो इसका मतलब कि हमारा भागवत प्रभुपाद एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे जो वो सांप सांप का वो विष का टूथ निकाल देंगे तो उसको पसंद उसका उसका इतना डर नहीं है, इसलिए हमारा सेंसर सब कर्म है। सो दया सर्वभूतेषु इज द ओनली वे टू द डिवोशन सर्विस टू मेक कृष्णा, इज द ओनली वे, देयर इज नो अदर वे, नो अदर वे, नो अदर वे, अरे नामे में केवलम, अरे नामे में केवलम, क्योंकि ये ट्रांसेंडेंट प्लेन ऑफ मीटिंग वास्ते में क्या मतलब, क्या है मतलब दया सर्वभूतेषु, मतलब हमको कैसे देखना है ये दुनिया से, कैसे देखना है, हम देख रहे हैं अभी अभी देखो हम ग्राउंड में हैं, ग्राउंड में ये हम देख रहे हैं, हमारा सामने तीन बेडरूम थ्री स्टोरी बिल्डिंग, फोर स्टोरी बिल्डिंग, टेन स्टोरी बिल्डिंग देख रहे हैं, और हमारा बिल्डिंग है एक स्टोरी है। सो हम देखते हैं ये एक स्टोरी एक तीन स्टोरी है, सो इसका फर्क होता है, बट आप ऊपर जाएंगे तो एयरप्लेन में जाएंगे तो देखते हैं ये एक स्टोरी है, दो स्टोरी है, नहीं पता चलेगा, क्योंकि हम प्लेन में जाएंगे तो हमको पता लगेगा सब छोटा है। यही तरीका है, मतलब कृष्णा का मिलना है तो वही हिसाब से आना चाहिए। अभी हम हमारा कॉन्शियस भौतिक में अभी ट्रांसेंडेंटल होना चाहिए, ट्रांसेंडेंटल का मतलब प्लेन में चढ़ के प्लेन में जाएंगे तो हमको क्या देखता है ये स्थिति, ये छोटा 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 क्या बोलते हैं, छोटा कीड़ा जैसा लगता है, कीड़ा जैसा लगता है, कुछ भी नहीं है हमको, ये बड़ा बड़ा बिल्डिंग, हंडर स्टोरी बिल्डिंग, छोटा छोटा 35,000 feet जाएंगे जो छोटा छोटा लगता है, कुछ भी नहीं लगता है, अब नीचे आएंगे तो हमको रिलेशन पता लगता है। इसलिए हम दुनिया में मटेरियल वर्ल्ड में हमेशा महाराज इसलिए बोल रहे हैं हम ट्रांसेंडेंटल प्लेन में रहो। ट्रांसेंडेंटल प्लेन में कैसे रह सकता है? दया करने का। दया का मतलब क्या है? सबको कृष्णा कॉन्शियस दे रहे हैं। दया का मतलब क्या है? हमको बारे में नहीं सोचना है। देखो महाराज प्रभुपाद का कृपा देखो कितना दयालु है। एक दफे वो साली है ना, साली अग्रवाल उनके घर में तरह रहता और वो मीट रख रहा था, इधर प्रभुपाद उनका प्रसाद रख रहा था, वो साली अग्रवाल प्रभुपाद वो साली अग्रवाल को थोड़ा एम्बरेसमेंट हो गया, ये नॉन वेज नहीं खाता है, कुछ नहीं खाता, वेजिटेरियन, अग्रवाल बोला है वो वेजिटेरियन है, अब नॉन वेजिटेरियन, वो प्रभुपाद को थोड़ा तकलीफ हो, महाराज कुछ नहीं बोला बट फिर भी साली अग्रवाल को कुछ अंदर में कुछ गिल्टी था, I take this cow and all because this is I'm tasting, please forgive us, but don't think about it. इतना दयालु है। और उनके पास बाद में एक लेटर लिख रहा था, लेटर लिख रहे हैं I'm missing your association, बोल रहा है प्रभुपाद, बोल रहे हैं साली अगर I'm missing your association, I'm missing your son, देखो कितना कृपालु है कि हम तो किसी को टॉलरेट नहीं करते, हम कैसे कृष्णा को मिल सकते हैं? ये दयालु होना चाहिए क्योंकि कृष्णा का दयालु इतना है वो हम देखना चाहिए, इतना दयालु। और दूसरा एग्जाम्पल है प्रभुपाद, एक दफे था वृंदावन में था 1974-75 में, वो समय तबीयत भी ठीक थी, और एक दिन क्या हुआ कलकत्ता में एक डिवोटी आया, उनका पुराना डिसाइपल है 1965-66 का डिसाइपल था, वो अभी पैंट जीन्स पैंट शर्ट डाल के आया, टी शर्ट डाल के आया, और उसके बाद वो आया टेम्पल के और प्रणाम किया प्रभुपाद को और राधा कृष्ण को प्रणाम किया, सब कुछ किया, करने के बाद बाहर आया और उसके बाद गंजा पीने के लिए शुरू किया। ये डिवोटी प्रेसिडेंट ने कहा ये इधर आ रहे हैं चैट कर रहे हैं बाहर जाके गंजा पी रहे हैं, तो उनको बहुत गड़बड़ हो गया,
कैसे ये अंदर आ सकते हैं, हम कैसे कर सकते हैं, उनका क्या करना मालूम है, उनका एक्सेप्ट करूं नहीं करूं, एक्सेप्ट करूं ये डिवोटी है, अपराध हो जाएगा तो प्रॉब्लम है, तो कैसे करेंगे, हमको मालूम नहीं है क्या करना है। इसलिए फोन किया इसको कमाल कृष्ण गोस्वामी, प्रभुपाद से बात करना है, मेरे को चाहिए, ये डिवोटी आया, ये प्रभुपाद के डिसाइपल बोल रहे हैं बट फिर भी गंजा खा रहे हैं, उसके क्या करेंगे, क्या करना चाहिए। तो इसलिए वो देन कमल कृष्ण गोस्वामी प्रभुपाद का रूप मिला, वो प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम, प्रभुपाद के बोला ये डिवोटी ऐसा है, वो आया ऐसा, वो गंजा खा रहा, गंजा पी रहे हैं, गंजा पी रहे हैं, ओके उसको बोलो। प्रभुपाद बहुत क्रोध जैसा बोला, उसको बोलो अंदर नहीं आने देगा, मैं आप ये गंजा नहीं छोड़ेंगे तो हमको डिसाइपल में रिजेक्ट करेंगे, वो डिसाइपल नहीं रहेंगे, मेरा डिसाइपल नहीं रहेंगे, मैं उनको रिजेक्ट करूंगा, मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, बोला सीधा बोला उसको, मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा और टेम्पल का अंदर नहीं आना चाहिए, यही मेरा इंस्ट्रक्शन है। बोला वो इमीडिएटली वो प्रभुपाद कमाल कृष्ण स्वामी वो फोन करके वो कलकत्ता डिवोटी को बोला, कलकत्ता प्रेसिडेंट को बोला, उसको बोलो प्रभुपाद रिजेक्ट किया, वो गंजा पिएंगे तो अंदर नहीं आ सकता, टेम्पल का अंदर नहीं आ सकता, ऐसा बोला। और रात को 9 बजे प्रभुपाद रेस्ट लेने वाला था, वो समय कमाल कृष्ण गोस्वामी ने कहा प्रभुपाद आप तो बोला है तो दैट वो डिसाइपल को रिजेक्ट करेंगे, अब सच रिजेक्ट करेंगे उसके, आप सच सच बोलते हैं वो आप रिजेक्ट करेंगे अंदर से, आप दिल से। प्रभुपाद रो रहा था, प्रभुपाद रो के बोला है मैं कैसे रिजेक्ट करूं, मैं नहीं रिजेक्ट कर सकता, मेरे को हक नहीं है रिजेक्ट करने की, मेरा एक ही हक है सबको एक्सेप्ट करना, मेरे सामने आया, मेरा इनिशिएशन लिया, मैं कैसे उसको छोड़, मैं नहीं छोड़ सकता, इतना कृपालु है प्रभुपाद, मैं उसके छोड़ नहीं सकता, प्लीज मैं नहीं छोड़ सकता। प्रभुपाद अब तो एक रूल होना चाहिए आपको, ऐसा नहीं करने का, अब तो एक डिमार्केशन होना चाहिए, ये डिवोटी ना फोर रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स करना, ये करना, आपको तो लाइन होना चाहिए, लाइन के ऊपर गया वो, आप कैसे एक्सेप्ट कर पाए। प्रभुपाद बोला ये तो कुछ नहीं, मैं नित्यानंदा का सेवक हूं, ये इतना नीचा मूढ़ा आदमी थे, मैं सेवक कर रहा हूं, आई डोंट डिजर्व टू बी अ सर्वेंट ऑफ नित्यानंद बट आई एम अ सर्वेंट, यस अलाउड मी मर्सीफुल। वो जगह मताई को एक्सेप्ट किया, हम कैसे इनको रिजेक्ट कर सकते हैं, देखो मतलब रूपा कितना मर्सीफुल है, देखो रूल्स तो फॉलो करना है, ओपनली ओपनली टोल्ड बट इंटरनली ही इज नॉट रिजेक्ट, यही है दया सर्व। तो यही मतलब उनका एंगल क्या है, हम वो नहीं देखते हैं, हमको देखते हैं, हम तो ये प्रभु जी ऐसा किया ऐसा किया, उनको रिजेक्ट करना है, टेबल का अंदर होना चाहिए, ये किया वो किया, हम बोल रहे हैं वो नहीं ऐसा बोल रहे हैं, वो क्या करें, वो ट्रांसेंडेंटल प्लेन वासुदेव का ऊपर देख रहे हैं, वासुदेव के ऊपर देखे, नहीं मैं इसको ऐसा कैसे नहीं छोड़ सकता, नहीं नहीं छोड़ सकता। लास्ट वीक ऑल्सो आई टोल्ड महाराज Whatever you are ours, Maharaj बोला है। Whatever you are, कैसे भी आप मेरा है। So इसलिए बार प्रभुपाद भी ऐसे ही कहेंगे। कोई भी disciples उसको reject करके जाएंगे तो प्रभुपाद नहीं छोड़ेंगे। कैसे भी उसको वापस आके उनको सीधा कृष्ण का शरण लेंगे। जरूर छोड़ेंगे नहीं। ये प्रभुपाद और इस्कॉन मूवमेंट जैसे माफिया है, कृष्णा के ऊपर आ गया तो माफिया ना गुंडा माफिया होता है ना बॉम्बे में, ऐसा है अंदर आ गया तो वापस नहीं चलते, कृष्णा का दाम पहुंचना ही चाहिए कैसे भी स्थिति में, स्थिति में पूछो कृष्णा करूंगा करेगा, करना ही पड़ेगा कृष्णा करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको नाम लिया ना, आप लोग सब लोग नाम लिया ना, कृष्णा को करना ही पड़ता है, कृष्णा का वो अपॉर्चुनिटी नहीं है, वो छोड़ेंगे ये इसको वो, हमको तो हमारा रिएक्शन कर्मिक रिएक्शन तो दे रहे हैं बट फिर हमको छोड़ेंगे कभी छोड़ेंगे कभी छोड़ेंगे, यही 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 ट्रांसेंडेंटल प्लेन ऑफ मीटिंग वास्ते, मतलब यही तरीका से
हम सब डिवोटीज को देखते हैं तो हमारा दया सर्वभूतेषु देन तुष्यति आशु जनार्दन। हमारा प्रभुपाद ऐसा बोल रहे हैं तो गोलोक वृंदावन में नाच चलेंगे नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु मायापुर धाम गोलोक मायापुर धाम गोलोक वृंदावन में होगा उधर जाके नाचेंगे। ये प्रभुपाद ऐसा बोल रहे हैं रिजेक्ट नहीं सकता तो हम क्या करेंगे हम कौन ऐसा बोल सकते हैं ये मैं छोड़ूंगा ये मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। हम तो इतना छोटा आदमी है बिल्कुल छोटा आदमी है इतना छोटा है बहुत छोटा है तो कुछ नहीं है हम रिजेक्ट करेंगे। तो इसलिए बहुत जरूरी है हम कैसे भी स्थिति में हम किसी डिवोटी को ऐसा नहीं करना चाहिए यही भय या सर्वोपदेश यही हमको अंदर होना चाहिए यही बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वो कितना आनंद प्रभु वो स्टार्टेड सेपरेट मूवमेंट वो स्टार्ट किया सेपरेट मूवमेंट और वो इनिशिएट करने के लिए कोशिश किया रूपत बोला उनको बोला डिवोटीज को जाके उनसे पूछो उनको बोलो मैं उसके याद कर रहा हूँ वो मत छोड़ना स्पिरिचुअल मास्टर को छोड़ के अगले वो अपने आप नहीं करने का ये रास्ता ठीक नहीं है उनके बोलो और पकड़ के वापस आयो। मेरा दिल मैं बहुत दुखी हूँ मेरे छोड़ के चल रहे हैं हम लोग क्योंकि उनका ये दूसरा वो प्रभुपाद हमारा जैसा बना रहे हैं ये डिसाइपल वो इन भी कर सकते हैं उसको डिस्पोज कर सकते हैं ऐसा भी सोच सकते हैं बट ट्रांसेंडेंटल प्लेन ऑफ मीटिंग यही ज्ञान होना चाहिए यही ज्ञान से हम देखना सकते सिद्धि की वजह से हमारा दया सर्वभूतेषु हो सकता है नहीं तो दया सर्वभूतेषु नहीं हो सकता टिल द टाइम तुष्यति आशु जनार्दन नहीं हो सकता आशु नहीं फॉरगेटेबल तुष्यति नहीं हो सकता आशु तो बहुत दूरी की बात है आशु तो नहीं हो सकता तुष्यति नहीं हो सकता फिर वे आशु आशु तो बहुत मुश्किल तो इसलिए बहुत बहुत जरूरी है ये एक दफे प्रभुपाद का हरिशौरी प्रभु था 1975 में आया उनका मसाज करने उनका मालूम नहीं था कैसे करने और दूसरा प्रभु जी हमसदूत प्रभु और संबड़ी वो डेट वो गेव इन प्रैक्टिस उनका प्रैक्टिस किया ऐसा करना ऐसा करना ऐसा करना फिर भी वो उनका भूल गया वो गर्म करने का पानी गर्म करने का भूल गया ऑयल मसाज किया गर्म करने का वो बॉइल करने का पानी वो भूल गया प्रभुपाद नहाने के लिए भूल गया वो बहुत टाइम लग गया प्रभुपाद इनिशियली ही वाज लिटिल लिस्टेड बट दैट्स ऑल राइट प्रभुपाद बोला दैट्स ऑल राइट डोंट नीड टू वरी। और उसके बाद उनके साथ वो एक मिनट मैं तो बुढ़ा हूं मैं अब तो नाराज हो सकता हूँ बट फिर भी मैं आपको छोड़ नहीं सकता मैं बुढ़ा हो गया ना मेरे को टॉलरेंस लेवल जीरो हो गया प्रभुपाद बोल रहे हैं मेरा टॉलरेंस जीरो इसलिए मैं आपको डांट रहा हूँ प्लीज मेरे को माफ करो यार क्या बोल रहे हैं सॉरी मेरा माफ करो मैं आप तो छोटा है हम तो बड़ा है बड़ा तो टॉलरेंस कम हो जाता है अब बुढ़ा हो सकता है ना टॉलरेंस कम हो जाता है इसलिए तो मैं ऐसा बोल रहा था प्लीज फॉरगिव मी फॉर दिस। तो इसलिए दया सर्वभूतेषु मतलब इतना उसको बोल रहा है मेरे को माफ करो बोल रहा है उनको डांटा है उसके बाद बोल रहे हैं मेरे को माफ करो ये क्योंकि हरिशौरी का अंदर कृष्णा है मैं डिसाइपल हूं हम क्या सोचते हैं हमारा ऊपर न्यू डिवोटी आएगा हमका हमारा सर्विस करेगा ये हमारा सर्वेंट हो गया ये हमारा स्लेव हो गया सर्वेंट नहीं है हमारा सर्विस नहीं कर रहा है हमारा स्लेव हो गया स्लेव मतलब सब काम वो करना है हम तो क्या होता है वो दिन हमको सेवा करेंगे वो करेंगे वो करेंगे हमारा पैर पकड़ेंगे वो सब हो जाएगा हम डिसाइपल से महाराज बना देंगे ये मत सोचना ऐसा सोचेंगे तो दुष्यति कैसे कृष्णा तो बहुत ये क्या है ये तो ये भौतिक जन में रहना अच्छा है उनको उधर आएगा तो हमारा प्रॉब्लम हमारा सीट में बैठ के हमको फेंक देंगे सीट में हमारा वैकुंठ सीट में हम तो फेंक देंगे वो ये बच्चा ये आएगा तो ऊपर आएगा तो प्रॉब्लम इसलिए इधर ही रहने दो सफर इन दिस मटेरियल दुख का दोषानु दर्शन तो ये दुख दोषानु दर्शन तो इसलिए बहुत बहुत जरूरी है हमको इम्पोर्टेंट है वो देखना है। और एक दफे प्रभुपाद का डिसाइपल प्रभुपाद का स्पिरिचुअल मास्टर भक्ति सिद्धांत सरस्वती उनका क्या हुआ एक डिवोटी था डिसाइपल था वो डिसाइपल तो ब्रह्मचारी था
बट फिर भी उसका एक वीकनेस था, लड़की लेडी लड़की के साथ, और उसके साथ एक लड़की के साथ सब कुछ रिलेशनशिप हो गया। तो वो अदर डिसाइपल्स देखा, देख के बोला है प्रभु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को, प्रभुपाद देखो ये उनका नहीं बात किया, ये लोग डिसाइड किया, ये फिट नहीं है, ये कृष्णा कांचन की जरूरत नहीं है, ये ब्रह्मचारी नहीं है, ये तो ब्रह्मचारी तो छोड़ा है, ये तो स्त्री के साथ संबंध हुआ इसलिए उसको फेंकना है, हमारा कर्तव्य है। हमारा प्रभुपाद हमारा गुरु बहुत खुश हुआ, मुगम बहुत खुश हुआ, जैसे हमारा महाराज खुश हो जाएगा, हमारा हमारा प्रभुपाद हमारा स्पिरिचुअल मास्टर खुश हो जाएगा, ऐसा सोच के वो क्या किया, वो प्रभु जी के बोला आप इधर रहने का आपका हक नहीं है, आप तो नीचे गिर गया इसलिए आप तो फॉलन सोल हो गया, कंडीशन सोल हो गया, आप तो ब्रह्मचारी का लायक नहीं है, आप इधर से जाइए, आप इधर ये मठ गौड़िया मठ नहीं आना चाहिए, ऐसा बोल गया। वो प्रभु जी का बहुत तो मिस्टेक किया, मिस्टेक तो हो गया, वो कलकत्ता को ढूंढ रहा था सब जगह से, भक्ति सिद्धांत सरस्वती को याद करके स्पिरिचुअल मास्टर प्लीज फॉरगिव मी प्लीज फॉरगिव मी, रो रहा था रोड रोड में रो रहा था, मेरे को अक्सेप्ट करो, मेरे को अक्सेप्ट करो प्रभुपाद, ये सब रो रहा था, ये क्राइंग फॉर स्पिरिचुअल मास्टर आस्किंग योर फॉरगिवनेस, दिस इनवोक्स द मर्सी ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर। स्पिरिचुअल मास्टर तो अदब्बर करुणा अनलिमिटेडली मर्सीफुल, सो इसलिए वो एक दफे वो एक हफ्ते हो गया उनका भक्ति सिद्धार्थ को, ये डिवोटी किधर गया, ये डिसाइपल किधर गया, मेरे को मालूम नहीं, पूछा डिवोटी को दूसरा डिसाइपल, ये ब्रह्मचारी डिसाइपल किधर गया, प्रभुपाद यू नो ऐसा हो गया ऐसा हो गया, सो वो मैं इसलिए हम लोग को उसको इधर से निकालना पड़ा, इसलिए वो चला गया बाहर, उसको बोला इधर रहने का हक नहीं है, ब्रह्मचारी का त्याग दिया इसलिए ब्रह्मचारी त्याग करके इधर रह नहीं सकता, इधर गौड़िया मठ में ब्रह्मचारी में रहना चाहिए। भक्ति सिद्धांत सर से बहुत गुस्सा आया, बोला ऐसा मत सोचो, ऐसा कौन दिया आपको हक, आपको हक ऐसा बोलने का, एक एक डिवोटी बनना है, मेरे को एक टन का खून, आई हैव टू यूज 1 टन ऑफ ब्लड टू मेक 1 डिवोटी, एक डिवोटी बनने के 1 टन ब्लड हम खून देना पड़ेगा, खून दे के एक डिवोटी बनाता है, आप लोग इतना आराम से उसको फेंक दिया, ऐसा थोड़ी क्यों किया आप लोग, बहुत गुस्सा हो गया, मेरे को अभी खाना भी नहीं चाहिए कुछ भी नहीं चाहिए, मैं आपको नहीं देखना चाहता हूँ सबको, मेरे को एक डिवोटी आना चाहिए इधर शाम को अंदर, वो सब लोग ढूंढ के पकड़ के आया 3 दिन का, और पता नहीं कितना दिन लेके आया, प्रभुपाद का शेल्टर लिया उसका, ये क्योंकि वो ये क्या देखते हैं ना प्रभुपाद, क्या देखते हैं, क्या देखते हैं आपको, ये डिवोशनल सर्विस ये गलत नहीं देखते हैं, वो देखते हैं हायर वैल्यू में देखते हैं, हायर एंगल में देखते हैं, यही बहुत जरूरी है हमको देखना, इसलिए हम एग्जाम्पल देखेंगे भागवतम से, सो हमको पता लग जाएगा कैसे करना, बेस्ट एग्जाम्पल है ना, दो डिवोटीज, वन इज पूतना नदर वन इज बलि महाराज, बोथ आर डेमन्स है बट डिवोटीज, दे बिकेम डिवोटीज, तो देखेंगे उन दोनों का, इसलिए कृष्णा कृष्णा क्या देखते हैं ना, दैट्स इट ट्रांसेंडेंटल एंगल, हायर एंगल में देखते हैं, इतना किया है वो जो देखते हैं कृष्णा, उनके इंटेंशन क्या है, सो देखते हैं 2 एग्जांपल्स, उसके साथ हम खत्म करेंगे, ब्यूटीफुल वर्स, वो ये उद्धवा बोल रहे हैं दुरा से, हो बकीयम स्तनका 3:2:23, 3rd canto 2nd chapter 23, अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिगाम सयापाद्यदाप्यसाद्वि लेबे गतिं तात् त्रिभुजितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। प्रभुपाद बोल रहे हैं अहो बकीयम, हो बकी ये तमा इज ये गेटिंग एग्जैक्ट, अहो अहो मीन्स हास, बकी बकासुरा सिस्टर पूतना क्या किया, स्तनकालकूटम, स्तन कालकूट, कालकूटम इतना बहुत पॉइजन है, ये स्मेल करके 100 feet 200 feet यू विल डाई, जस्ट स्मेलिंग द काल पॉइजन फ्रॉम 200 feet और 200 meters यू विल डाई, इतना पावरफुल है कालकूट, सो स्तन काल ब्रेस्ट इज इन्फेस्टेड इन विस स्प्रेड विथ कालकूट पॉइजन, जिगामसया, जिगामसया का मतलब आउट ऑफ एनवी,
मतलब उनका मोटिव क्या है? कृष्णा का मारने का। कंसन का हुकुम से मैं उनका मारना हूं, यही मेरा मेरा बहुत जरूरी। सो जिकाम से ये सब आजादी आप या नरिश असाद भी, असाद भी मतलब इधर दो देखे आउट ऑफ एनवी असाद भी है। मोटिव वेरी क्लियर, हमको किसी के साथ ईर्ष्या होता है उनके साथ हम फेथफुल नहीं रह सकते, यही इंपॉर्टेंट है। सपोज आई एम एनवियस ऑफ समबडी देन आई कैन नॉट बी फेथफुल टू दैट लिविंग। सपोज यू आर एनवियस ऑफ कृष्णा यू कैन नॉट बी फेथफुल टू कृष्णा। असाद भी मतलब प्रभुपाद अनफेथफुल, ये दोनों लिंक्ड है। हम किसी डिवोटी से ईर्ष्या करेंगे तो उसके साथ हम फेथफुल नहीं रह सकते, नहीं रह सकते, क्योंकि वी वॉन्ट टू पुट दम डाउन, वी वॉन्ट किल दम, बिकॉज हमारा इंटेंशन अच्छा नहीं है। एनवी के वजह से, एनवी किधर से होता है? मन से होता है। तो इसलिए ईर्ष्या कभी मत करना है किसी डिवोटी से। हम तो क्या करता, हम तो बहुत ईर्ष्या करता हूँ, ये लोग इतना अच्छा बात करता है, हम तो नहीं बात कर सकते हिंदी में। मेरे को बहुत ईर्ष्या होता है, देखो सर्वेश्वर प्रभु और प्रसन्न वदानंद प्रभु और मनोहर प्रभु और इन लोग इतना अच्छा बात करता है, तू तो इतना इतना अंज, मेरे को ईर्ष्या होता है। इसका वजह से मतलब मैं फेथफुल नहीं रह सकता, इसलिए जिगाम से आपात असाद भी। लेबे लेबे गतिम, लेबे मतलब प्रभुपाद इज अ ब्यूटीफुल वर्ड, अचीव अचीव अचीव, इट डजंट डिजर्व, अचीव्ड वर्ड इज वेरी ब्यूटीफुल वर्ड। अचीव्ड मतलब if you see in the third, 10th canto, 9th chapter, Yashoda Mata bhi lebe gati. There, lebe means obtain, means that is the right. Yashoda Mata ka right hai Krishna ka control karne ka. Idhar ka haq nahi hai, udhar haq hai. Because she is a pure devotee of the Lord. Here, pure devotee nahi hai. Intention is to kill Krishna. Motive is very clear. Envy hai aur faithful nahi hai. Unfaithful. Matlab, वो भरोसा नहीं है, अनफेथफुल मीन्स भरोसा नहीं है, बिल्कुल भरोसा नहीं है कृष्ण। सो यही बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेबे लेबे मीन्स अचीव, अचीव मीन्स ही डजंट डिजर्व, एक्चुअली पूतना डजंट डिजर्व कृष्ण, बट लेबे गति कृपा हाउ केयरफुल यूज द वर्ड लेबे। हियर द लेबे इज अचीव, शी डजंट डिजर्व बट फिर भी कृष्णा दिया। और उधर यशोदा माता का लेबे, she deserves, she obtained. Obtained means which is a right, you know. Dayabak, you know, Dayabak. Tate nukampam shramik shamano. 10:14. Banjana evatma kritam vipam. Upababrit vidadana nanste jibe tayomukti pades dayabak. Ab to sirf, ab father ka property lena, ab sab jibit rena, bas. Dayabak, automatically it will come to you. So, Yashoda mata ka dayabak. Or here, dayabak nahi hai. Inka entitlement, but Sri Krishna diya. Achieved. लेबे गति, एक वर्ड का प्रभुपाद इतना केयरफुल मेडिटेट कर रहे हैं, हम तो पढ़ता ही नहीं है, मैं तो इतना लेजी बगैर हूं, पढ़ते ही नहीं है। सो लेबे गति दादि विश्राम ततोनियम कम्मा दया, उस क्वेश्चन कम्मा किधर, ओ कैसे हो सकता है ऐसा दया। सो इसलिए इधर मोटिव, क्योंकि उसका एनमी था और फेथफुल नहीं था, इसलिए उसका मोटिव क्लियरली टू किल कृष्णा, बट शी केम एज अ mother. So she came as a mother with katakuta poison, very clear, but she does the service. Krishna kya dekhte hai andar? Isliye top angled vision mein dekhna. Dekha, Bhakti Siddhanta Saraswati kya dekha, kidhar se dekha hai? Upar se dekhta hai. Ye devotee fallen kya? Because of small defect. Ye ladki ke saath relation kya. But phir bhi at the long angle, how much devotion he has done. So isliye कृष्णा इज नॉट गोइंग टू सी ये थोड़ा एक्सीडेंटल फॉल डाउन में, इसलिए इसमें फैंक के वो नीचे में रहना है, ही विल बी पुट इन अबिस ऑफ इग्नोरेंस, नहीं हम वो अंतम में नहीं भेजते हैं, नहीं भेजते हैं, बिकॉज हम ज्ञान प्राप्त किया ना, हम प्योर डिवोटी का शेल्टर किया ना, ये महाविष्णु गोस्वामी डिसाइपल का, इसलिए उसको सीधा तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे हम तो, नहीं एग्जाम मेरे को तो एक्सेप्ट, अब लोग तो बहुत अच्छा डिवोटीज है, मेरे तो इतना अच्छा नहीं है, मैं तो बेकार आदमी है, इतना घटिया आदमी। सो इसलिए डिसाइबल का हक नहीं है मेरा, वो देखता है कौन सा एंगल में, ट्रांसेंडेंटल प्लेन ऑफ मीटिंग वहां से, मतलब उधर से कृष्णा देखता है, मोटिव ठीक नहीं है, बट फिर भी मेरा सर्विस मदर किया, इसलिए वो इंटेंशन को छोड़ दो, मोटिव को छोड़ दो, इंटेंशन को छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं एक्सेप्ट करूंगा उसको,
कम वा दयालुम शरणम भजे मी हूज ओन दयालु हो सकता है ऐसा दिस इज दया सर दिस इज ट्रांसलेटेड कृष्णा इज सीइंग फ्रॉम दैट एंगल एंड दैट्स व्हाई प्रभुपाद इज आल्सो सीइंग फ्रॉम दैट एंगल एंड आल्सो इन द ट्रांसलेटेड एंगल मींस अबाउट द प्लेन इन द प्लेन ऑफ ट्रांसलेटेड प्लेन दैट्स व्हाई प्रभुपाद यूज द वर्ड प्लेन प्लेन में मतलब क्या है एरोप्लेन एरोप्लेन में जाएंगे ऐसा देखते हैं सब ऐसा देखते हैं छोटा छोटा ये गलत है ये गलत है ये वन स्टोरी बिल्डिंग है टू स्टोरी बिल्डिंग ऐसा हम देखते हैं वो नजर से नहीं देखते Transcendental angle, a vision. That's why Bhakti Siddhanta accepted that before. And Prabhupada accepted that ganja taking. Wo accept karenge. Hum log kyun kaise hamara disciple ko accept nahi karenge? Kaise kar sakta? Aisa nahi kar sakta. Now we will see the either the motive theek nahi hai, but service acha hai. Isliye Krishna accept kiya. Kamma dayala. Prabhupada is very wonderful. So Prabhupada writes, Lord accepted the motherhood of Putana. Because she pretended to be an exception. Pretension. Gatab Velika. Velika ka. Gatab Velika nahi hai. But allow Krishna to succor blessed. The Lord accepts the least qualification of the living entity and awards him the highest benediction. That is the standard of his character. Therefore, who can be more merciful than the Lord? Who can be more better shelter than Krishna? Especially abhi, hum to Krishna ka shelter hai, kuch bhi nahi hai. Hum to itna dawai piyenge. Ayurvedic, allopathic, homeopathic, ऑक्सीजन रेमिडवाइजर कुछ भी ले लो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर कुछ भी ले लो हमारा ऊपर नहीं है कृष्णा का ऊपर क्योंकि एक एक सेल में ऑक्सीजन को रहना है रहने का हक कृष्णा के पास हमारे हाथ में नहीं है एक एक ऑक्सीजन अंदर रहना है 99% ऑक्सीजन सैचुरेशन मतलब क्या है व्हाट इज द मतलब सैचुरेशन किसी को मालूम नहीं क्या सैचुरेशन होता है वो सैचुरेशन मतलब एक एक सेल में ऑक्सीजन रहता है वो कृष्णा किसका ऊपर है कृष्णा का ऊपर हमारा ऊपर नहीं यही तो कृष्णा का कैरेक्टर है तो कृष्णा की कृपा से हम तो क्वालिफिकेशन है सिर्फ ही हम जीवित रहेंगे हम तो कृष्णा का जब नहीं ठीक से नहीं कर रहे हैं तो इतना ध्यान से हम कृष्णा का चैंट कर रहे हैं हर और नाम है केवलम कोई रास्ता नहीं नाम है केवलम मतलब देयर इज नो अदर गो ओनली वे इज टू चैंट द होली नेम्स ऑफ कृष्णा द मोमेंट वी चैंट इन द ट्रांसेंडेंटल प्लेन Transcendentally chant karega without any motive. Then Krishna. Here you see, with the motive also he will purify. The motive is purified. And she became a devotee of the Lord. So our motive is chod do. Motive hai, to Krishna purify karega. But Krishna ka seva karna bahut zaruri. Seva karna bahut zaruri. Kaise bhi hai, ek flower dal do, kuch bhi dal do. Ab log. Please, motive chod do pehle. Abhi to hamara paas motive hai, kama, sarva kama. Sarva kama hai hamara paas. But phir bhi 2, 3, 10. छोड़ दो उसको मोटिव कुछ भी है ठीक है बट सर्विस अट्रैक्ट मर्सी ऑफ कृष्णा उनका सेवा करो एक पूजा करो यू नो एक दफे एक स्टोरी स्टोरी आया एक महाराज है ना भक्ति पुरुषोत्तम महाराज एक स्टोरी देता एक क्या हुआ एक आदमी था इतना घटिया आदमी था वो प्रोस्टिट्यूट के साथ रहता था वो व्यभिचारी के साथ रहता था हमेशा वो कुछ भी काम अच्छी नहीं कर रहा था जिंदगी भर घटिया काम मर्डर किया रफिया गोविंदा गुंडा जैसे वो अजामिला जैसे था अजामिला का पोस्ट आफ्टर ब्रह्मचारी है ना ये बिकेम वेरी बैड सो ऐसा है ये आदमी सो क्या हुआ एक दिन वो जा रहा था एक अच्छा वो ब्रह्मचारी का लेके जा रहा था बहुत बड़ा रोज रोज और लोटस लेके जा रहा था सो लेके जा रहा था वो जाके देखो इसका कैसे उसका मर्जी देखो एक कचरा था कचरा पानी जा रहा था उधर में एक लोटस और एक रोज दोनों नीचे गिर गया और एक साधु आ रहा था साधु आके वो उनका एंगल तो ये रोज और कृष्णा को ऊपर से आई वो बोला है गोविंदाय स्वाहा मतलब लेट इवन दो इट इज वॉलंटरी गटर लेट इट गो टू गोविंदा ये भी उनको ये साधु कर देख के मजा करके ये गोविंदा है स्वाहा ऐसा भी बोला उनका मोटिव नहीं है कृष्णा का उनका मजा करने का किसका मोटिव ठीक नहीं मोटिव इनको एक्चुअली ही वांट्स टू इंसल्ट दैट साधु ये भी बोला गोविंदा है स्वाहा और उसके बाद क्या हुआ उसका देहांत हो गया वो गलाया ऊपर गया और यमराज उसको पूछा आपको टू ऑप्शन है आपको एक मिनट सॉरी 15 मिनट आपको चाहिए मिलेगा क्योंकि आप एक डिवोटी के साथ रह रहा था
और अब गोविंदाय स्वाहा बनाया, गोविंदाय स्वाहा बोला है, इसलिए आपको ये हेवन में 15 मिनट रह सकता है और उसके बाद आपको हेल जाना है क्योंकि इतना आप घटिया काम किया, ऐसा बोला है। ओके ठीक है, वो सुना वो एक दफे और मजाक करके मैं बोला, उसके वजह से मेरे को यही बायस एक्टिविटी आ रहा है, मेरे मतलब मोटिव ठीक नहीं था, सर्विस हो गया ना गोविंदाय स्वाहा, वो सर्विस एक्सेप्ट किया। वो क्या किया, वो सर्विस गोविंदाय स्वाहा, वो क्या किया, अंदर गार्डन, वो बोला है मेरे को 15 मिनट में रोज गार्डन जाना है और लोटस गार्डन जाना है, किधर भी जाओ मेरे को लोटस रोज गार्डन जाना है, उधर जाके और उधर जाके सारा ट्री को काट करके गोविंदा स्वाहा के उसका सारा पाप निकल गया। देखो गोविंदा स्वाहा का इतना पर, सो कृष्णा का सी मोटिव, सो इसलिए मोटिव ठीक नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर फिर भी जिंदगी का मकसद क्या चाहिए, कृष्णा का सेवा करना, गोविंदा स्वाहा सब प्यूरिफाई हो गया। वो भक्ति पुरुषोत्तम बहुत हास्य बोल रहा था, मेरे को आई कैनॉट टेल एज इट इज because he was a transcendental person on a transcendental platform, he told that story. Anyway, I tried. So here this is the motive, but it nahi hai, but Krishna accept the service. Now dekho dusra case, Balin Maharaj ko beautiful verse 8:23-2. Aho pranamaya krita samudyama prapanna bhaktartha vibhau samahitah illokapalai svadanugrahor mare alabhya purvo apashade Suret Pitaha, beautiful. Bali watcher, Bali is pranamaya, to offer respect to. Oh, kya hua? Bali Maharaj aaya tha, unka wo Ashwamedha yajna chal raha tha, udhar aaya tha, Vishwajna, matlab I forgot what is the name, he was doing the yajna. So, wo yajna kar raha tha, Ashwamedha yajna, to Indra banane ke liye. So, Ashwamedha yajna bana tha, Ashwamedha yajna bana ke, 100 sacrifices he was doing. So, uske, Vamanadev aaya. वामन देव आया, उधर आके उनका मन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ये तो तेजस्वी लग रहा है वामन, वामन भगवान छोटा लगता है बट भी तेजस्वी लगता है, इसलिए मेरे को प्रणाम करना है, पर फिर भी मेरा स्पिरिचुअल मास्टर एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि वो असुर का स्पिरिचुअल मास्टर है, एक्सेप्ट करेगा नहीं एक्सेप्ट करेगा मेरे को मालूम है, इसलिए मन में बोला है, सर्विस नहीं किया वो बट मन में बोला है हो प्रणाम माय, he says I offer wonderful acts, even attempting to offer, he was only attempting to offer, I must endeavor to offer your obeisances, but nonetheless the attempt was as successful as those of your devotees, for the anugrah, your costless mercy, amarai badab alabda purva, not previously achieved even by the demigods. Kya hua, abhi sutala planet mein heavenly planet ho gaya aur uske god kon hai, vamana bhagwan the udhar god kar raha tha. So, you have shown to me a fallen demon like me, never achieved even the demigods and leaders. Prabhupada writes the purport very nicely. When Vamanadeva appeared before Bali Maharaj immediately wanted to offer him a respectful obeisances. But he was unable to do so because of the presence of Sukracharya and the demon. The Lord is so merciful, however, that although Bali Maharaj did not actually offer obeisances and endeavored to do so within his mind, the Supreme Personality God had blessed him with the mercy more than even the demigods could. So, this is what Krishna did not find the eternal action, not offering obeisances, but luck into the heart. Either motive dekhta hai, service nahi. Udhar, Putana case, service theek hai, but service is okay, motive is not good, Golok Vrindavan. Either motive acha hai, service nahi, Golok Vrindavan. Dekho, kaise dayalu. Ye transcendental angle of Krishna. ये ट्रांसेंडेंटल प्लेन ऑफ मीटिंग महादेव, ये तुष्यति आशु जनार्दन, यही हम देखना है। सो प्रभुपाद राइट्स, सो हम क्या करते हैं, हम तो दूसरा करते हैं, हम तो क्या करते हैं, सपोज हम इतना गुस्सा होते हैं, हमको दयालु कुछ नहीं है, सपोज समबडी डजंट कम, सपोज सम डिवोटी डजंट कम, श्याम चरण प्रभु नहीं आएगा क्लास में, मेरे को बहुत गुस्सा हो गया, why is he attending Sarvesh Prabhu class, why is he attending Manohar Krishna Prabhu class, why is he attending Radha Madan Mohan class, why is he attending Swayam Spruti class, and why is not Raghuveer Prabhu class wo attend kar raha, hamara class nahi attend kar raha, so mere ko gussa ho raha hai kyunki mere ko daya nahi hai, main actually we are thinking we are giving mercy by giving instruction,
मैं कौन हूं उसको आपको आप लोग दया कर, बिकॉज हमारा एटीट्यूड दयालु नहीं है, हम तो इतना क्रोधित आदमी है, दयालु नहीं है, कुछ भी नहीं है हमारे ऊपर, दयालु नहीं है, अदयालु है, दयालु मतलब वी आर सो मर्सीलेस टू द अदर लिविंग एंटिटीज, ऑपोजिट ऑफ मर्सी, परम दयालु किधर है, हम तो परम क्या बोल सकते हैं हिंदी में, कृपणा, वो महात्मा है कृष्णा प्रभुपाद और ऑल प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत महाराज और महा दयालु है, हम तो कृपणा है, नैरो माइंडेड, तो हम क्या बोलते हैं, एंड ऑल्सो वी ऑल्सो टेल हमारा स्पिरिचुअल मास्टर अच्छा है, दूसरा स्पिरिचुअल मास्टर अच्छा नहीं है, उनके सामने मैं नहीं लूंगा, मतलब यू वॉन्ट टू बोस्ट अवर सेल्स टू क्रश अदर्स, यू वॉन्ट टू क्रश अदर स्पिरिचुअल मास्टर एंड द डिवोटीज, बट हमको क्या मालूम वो लोग डिवोशन सर्विस इतना अच्छा कर, चैतन्य चरण प्रभु भक्ति रसाम स्वामी महाराज, सो मेनी डिवोटीज, सो मेनी प्रभुपाद डिसिपल्स, एग्जांपलरी स्पीकिंग, अब उनका सर्विस देखते हैं तो आप तो पागल हो जाएंगे हम लोग, रजविलास प्रभु डिवोटी है, आई थिंक आई टोल्ड बिफोर, फुल डे उनका हाउस फायर हो गया और फिर भी सेवा कर रहे हैं, क्योंकि जन्माष्टमी गए 3 दिन, उनका घर के बारे में सोचा ही नहीं है, सैटरडे संडे दोनों दिन नो तो नहीं देखता है, सिर्फ डिवोशन सर्विस के लिए रो फुल डे, 2 days ही वास इन द टेंपल, नॉट बॉदर्ड अबाउट हिज फैमिली, ये प्रभुपाद का डिसाइपल है, इसमें किधर है, आई थिंक इट इज इन अमेरिका समवेयर, आई फॉरगॉट द नेम, सिएटल वाशिंगटन, सिएटल टेंपल में 2 दिन फुल सैक्रिफाइस फॉर द सेक ऑफ जन्माष्टमी, हिज हाउस वाज बर्नड because of some short circuit or something happened. He didn't bother. He just took the passports and then he said, no problem, no need to worry. 2 days ke baad hum dekhenge. Janmashtami khatam hone ke uske baad dekhenge. Oh, ab bada duty hai, humko malum nahi. Hum to bolte hain, hamara speech master acha hai, sab social master ka deserve acha nahi hai. But aisa hum sochte hain. Dusra kyun soche, we are so much in illusion. And also, ye devotee hamara program nahi aaya, हम क्लास ले रहे हैं, हमारा प्रोग्राम नहीं है, हम तो गुस्सा हो जाते हैं, उनका उनका प्रोग्राम जाता है, हमारा प्रोग्राम नहीं जाता है, इससे गुस्सा होकर उनके साथ बात नहीं करते हैं, कैसे दयालु होते, कृपणा होता है ना, प्लीज प्लीज डोंट डू दैट, नो वी डोंट हैव एनी राइट टू आस्क दिस, वी गो टू स्टूप लेवल, वी सी वी आर सीनियर डिवोटीज, बोल रहे हैं हमको गुस्सा आता है, एंड ऑल्सो वी डोंट इवन रेस्पॉन्ड टू दैट डिवोटी, वो बात कर रहे हैं उनके साथ, ये हमारा क्लास नहीं आया इसलिए मैं उनसे बात नहीं करूँ, कैसे गुस्सा हो सकता है ऐसा, दयालु किधर कैसा, एंड डिवोटी मींस हाउ मच ही कैन बिकम एंग्री, बहुत बहुत वेरी वेरी बैड, इट्स वेरी डिफिकल्ट, मोटिव देखता कृष्णा देखो, मोटिव देख, मोटिव नहीं देखे सर्विस देखा, सर्विस नहीं देखे मोटिव देखा, मोटिव अच्छा आया सर्विस ठीक नहीं है क्लियर, मोटिव ठीक नहीं है सर्विस अच्छा है ठीक है, देखो हम तो क्या बोलते हैं, वी ऑलवेज द मोटिव एंड सर्विस इज नॉट गुड, दूसरा बोला प्रभु जी मैं आपको सेवा करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, मोटिव तो अच्छा है, मोटिव तो अच्छा बट सर्विस नहीं किया, प्रभु जी ने हमारा हेल्प मत किया, क्या है बात से बहुत करता है, कुछ नहीं करता है, ऐसा बोलते हैं, और सर्विस करता है मोटिव अच्छा नहीं है, ये हमारा सर्विस कर रहे हैं, मैं उसको ये सेवा करने के लिए कोशिश करेगा, वो ऐसा करेगा, उनका ऊपर ये हमको क्यों सर्विस कर रहे हैं, क्योंकि उनका सेवा चाहिए इसलिए उसके ऊपर यही मोटिव होता है, ऐसा सोचते हैं बट कृष्णा ऐसा नहीं सोचते, क्योंकि ट्रांसेंडेंटल प्लेन, दैट्स अ प्रभुपाद लुक्स इनटू, महाराज लुक्स इनटू, ऐसे ही हम देखना है, ऐसा देखते हैं तो हम किसी को नफरत नहीं करते, सो हम तो प्रभुपाद, दैट्स व्हाई वी विल से वी कम सो एंग्री, आवर वे आर हाईवे, हमारा वो हमारे सामने हमारा पीछे आएंगे, नहीं आएंगे तो हम तो चो हम तो फैक्ट देंगे, आई विल थ्रो यू आउट ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, I'll throw you that you are not know my manuvar. Aisa mat karna, please. We don't have any right to do. Who are you to reject our own God brother? This type of attitude we should avoid. Please. I beg all of you. Dayalu matlab kya hai? You cannot tolerate your own God brother. Where is the question of tolerating and going to the spiritual world? Where everybody is tolerant. It's very important, please. You have to understand this very important point.
तो हम आराम करेंगे. आई हैव टू गेट सम मोर पॉइंट्स बट टाइम इज एसेंस. विल स्टॉप हियर. श्रीमद् भागवतम ग्रंथराज की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. श्रील गुरुदेव जय. ताय गौर प्रणते हरि हरि बोल. वैष्णव से प्रभु है तो प्लीज माफी मांगता हूँ. मर्यादा विक्रमा है और सर्वेश्वर प्रभु मनोहर प्रभु प्रसन्न वदन प्रभु और श्याम चरण श्याम चंद्र ऑल डिवोटीज के सामने ये छोटा आदमी बात करने का हक नहीं है. प्लीज फॉरगिव मी फॉर माई बैड हिंदी कचरा हिंदी विदाउट एनी रेस्पेक्ट और समथिंग. प्लीज फॉरगिव मी. हम तो सीख रहे हैं. आई एम जस्ट लर्निंग. मे बी विच जन्म आई विल लर्न आई डोंट नो. प्लीज प्रे फॉर मी एंड वी विल प्रे फॉर ऑल द डिवोटीज are suffering, our devotees and devotees' relatives are suffering. Please pray, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram. Any realizations, any questions, please. Whatever little knowledge I have shared, Hare Krishna. Bhagavatam Granth Raj ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Bohut bohut dhanyavad, Bhavik Prabhu or Vaishnav Sevak Prabhu. Very good, my good pronouns. हरे कृष्णा. किसी का कोई प्रश्न या कमेंट हो तो आप कर सकते हैं. हरे कृष्णा प्रभु जी. धन्यवाद प्रणाम. हरे कृष्णा प्रभु सर्वेश प्रभु की धन. आपका ट्रांसेंडेंटल मैसेज मिला. इतना सुंदर आपने प्रवचन किया. हर समय आपकी वाणी जो है वो दिव्य होती है और आपका जो रियलाइजेशन होता है वो बहुत ही स्ट्रांग और बहुत ही सॉलिड होता है. और हम लोग तो सोचते हैं यहाँ बैठ करके कि कितना डीपली आपने प्रभुपाद जी को महाराज जी को समझा है अंडरस्टैंड किया है और कितना अच्छे से आप उनको फॉलो करते हैं. आई विश कि आपका आशीर्वाद हमको मिले और हम भी थोड़ा बहुत वो रियलाइजेशन. मैं आपको आशीर्वाद मांगता हूँ प्रभु. मेरा उम्र आप यू आर एल्डर टू मी प्रभु. प्लीज ब्लेस मी. वासुदेव प्रभु भी है उनका ब्लेसिंग्स भी चाहिए हमको. सब लोग डिवोटीज का ब्लेसिंग भी चाहिए. वो तो सभी की ब्लेसिंग्स चाहिए हम. मेरा मोटिव ठीक नहीं है प्रभु. मैं सर्विस कर रहा हूँ. मोटिव ठीक नहीं है. मेरा वर्क ही चांस है कृष्णा. ये सर्विस हम कर रहे हैं. मोटिव ठीक नहीं है मेरा मोटिव. सो कृष्णा एक्सेप्ट करना है मुझको. वही चांस है. मैं पूतना का शेल्टर ले लूंगा बस. और आपकी वाणी भी बहुत सुंदर है और आपका मैसेज भी बहुत ही सुंदर है. और आज आपने जो वैष्णव दया के बारे में बताई वास्तव में ये बहुत ही सत्य बात है और इसमें कोई दो राय है ही नहीं है. हम लोग तो बार बार इसको सुन ही रहे हैं और पूरा भागवतम इसी पे आधारित ही है. वैष्णव दया पे, वैष्णव कृपा, गुरु कृपा, भगवान की कृपा, इसी पर हमारा सारा सिद्धांत ही है. वैष्णव सिद्धांत ही इसी पर आधारित है. यदि हमारे अंदर दया नहीं रहेगी तो भगवान के प्रति हमारा जो आकर्षण है, जो उनकी ओर जो लगाव है, जो प्रेम है, वो बन ही नहीं पाएगा. तो इसीलिए जो आपने बताया कि आत्मवत् सर्वभूतेषु और उनके प्रति दया, सभी जीवात्माओं में आत्मा को देखना और उनके प्रति दया करना, चाहे वो चींटी हो, चाहे मच्छर हो, चाहे काकरोच हो, चाहे हाथी हो, चाहे जो हो, तो ये निश्चित रूप से हमको बताता है कि यदि हम जीवों के प्रति दया करते हैं तो भगवान के प्रति हमारा प्रेम है. भगवान की उस रचना को, उस क्रिएशन को हम अप्रिशिएट कर रहे हैं. हम समझ रहे हैं कि भगवान ने, अब वो हर एक जीव किसी योनि में पड़ा है तो अपने कर्म बस पड़ा है, वो बेचारा उसमें तो भुगत ही रहा है. हमको उस पर दया दिखानी चाहिए. जैसे प्रभुपाद जी ने एक बार जब मॉर्निंग वॉक में जा रहे थे तो एक बैठे हुए थे, एक्चुअली मॉर्निंग वॉक नहीं था, बैठे हुए थे, तो एक स्नेल जो है वो रेंक रहा था. तो प्रभु जी उसको, शिला प्रभुपाद जी उसको देख करके उसको बड़े ध्यान से देख रहे थे. तो एक माता जी वहां पर जो प्रभुपाद जी के पास थी, उन्होंने कहा कि प्रभु जी आप क्यों, महाराज इसको आप, प्रभुपाद आप इसको क्यों इतना ध्यान से देख रहे हैं, तो कीड़ा है अभी तो इधर से चला जाएगा. प्रभुपाद जी ने कहा नहीं, तुम जाओ उसके पास और महामंत्र का जप करो, उसके कान में सुनाओ उसको. बिकॉज वो बेचारा इस स्थिति में है कि देखो चल भी नहीं पा रहा है ठीक से, और तुम उसको महामंत्र सुनाओगी, हो सकता है कि तुम्हारे सुनाए हुए महामंत्र से ही उसका इसी योनि से कल्याण हो जाए. तो ये दया है. जैसा आप बहुत उदाहरण देकर के प्रभुपाद जी के बारे में समझाया, महाराज के बारे में समझाया, यदि महाराज की दया नहीं होती तो हम लोग आज, मैं तो खासतौर से इस
कृष्ण भावना मृत में आया ही नहीं होता, लेकिन हम तो पता नहीं किस दुनिया में फंसे हुए थे। तो महाराज ने तो एक दिन के अंदर दया दिखाई थी, तुरंत देखने के बाद ही दर्शन किया, उसके बाद ही उन्होंने एक्सेप्ट ही कर लिया। तो ये वैष्णव कृपा है, वैष्णव दया है, गुरु की कृपा है, जो हम जैसे पतित जीवों के ऊपर करुणा करके कल्याण करते हैं और कर रहे हैं और करते रहेंगे। जैसा आपने बहुत उदाहरण दे के बताया कि गुरु जो है अपने शिष्य को कभी छोड़ता ही नहीं, चाहे वो कितना पतित हो जाए। रूपा जी ने नहीं छोड़ा, भक्ति सिद्धांता सरस्वती गोस्वामी महाराज ने नहीं छोड़ा, भगवान श्री नित्यानंद प्रभु ने नहीं छोड़ा, तो हमारे गुरु महाराज भी हमको कैसे छोड़ देंगे। इस विश्वास के साथ करना चाहिए, लेकिन भक्त का ये भी ध्यान में रखना चाहिए भक्त को कि जो 1000 टन खून निकाल करके चला करके एक शिष्य जो गुरु ने बनाया है, उसका ऋण जो हमारे ऊपर है, उसको ध्यान में रखना चाहिए कि हम ऐसा कोई काम ना करें कि हमारे गुरु को फिर से और 1000 टन खून जनाना पड़े उनको सुधारने। इसलिए गुरु के कर्म को बचाना है, उनको बचाना है, उनको बचाने के लिए हमको अपने को सुधारना है, अपने को सही रास्ते पे ले आना है, जिससे उनको कष्ट ना हो। उन्होंने बहुत कष्ट देख ले करके पापों को स्वीकार किया, लेकिन अब हमको पाप नहीं करना है, जिससे कि आगे चल करके भी उनको कष्ट होता रहे। तो ये हम सबको ध्यान चाहिए। और बहुत सुंदर आपने लोगों को समझाया, बहुत अच्छा लगता है। आपका जो रियलाइजेशन जो हृदय से आता है और आपने अनुभव किया हुआ है, तो वो बिल्कुल हृदय को छू जाता है। आपकी बातें जो है मन में एक बार फिर से विचार करने के लिए प्रेरित करती है कि सोचिए 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 क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर वंडरफुल। यस, वी कैनॉट अफोर्ड टू मेक पीपल वेस्ट टन्स एंड टन्स ऑफ ब्लड प्रभुपाद हैज गिवन एंड भक्ति सिद्धांता, and then make them come again and again spend another 100 tons of blood just for the sake of us. So we should go back to this material, from this material world, and do the, and we have to be very careful in the path of bhakti, which is very, very, it is like a knife, the knife edge, Bhagavatam says, no, it is like a knife edge. I think in Samat Shastra it says, we are sitting on a razor's edge, Prabhupada writes. I think 3924, I think Prabhupada writes, like a razor's edge. Bhakti is like a razor's edge. If we cut ourselves, then we will cut, just like we are shaving. We cut our chin, then blood comes out. So we have to be very careful. Thank you very much for your wonderful relation. Thank you very much. You have added, I think you have put the icing on the cake, Prabhu. That's the best. Hare Krishna. And Prabhuji wants, was there Prabhu? Please speak, Prabhu. Hare Krishna, Prabhuji, Dandavat Pranam, Jai Shila Prabhupada, Jai Gurudev. Yes, Prabhu, I want to see your photo also. I have not seen you for a long time. I didn't have your darshan. I'll talk to you later, Prabhuji. Okay. Guruji, what you have told about this, the Vaishnavas are so merciful. मुझे एक छोटा सा इंस्टेंस याद आता है, मैंने पढ़ा था। एक बार रूपाद जी वृंदावन में थे, तो उनके एक डिसाइपल ने उनको बताया कि आपके एक गॉड ब्रदर हैं, मुझे नाम याद नहीं रहा उनका, शायद भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज या कोई स्वामी महाराज थे, तो एग्जैक्ट नाम मुझे याद नहीं क्योंकि काफी दिन पहले मैंने पढ़ा था। तो उनको उन्होंने बताया कि आपके उन गॉड ब्रदर ने शरीर छोड़ दिया। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि उनको जरूर जो है ना गोलोक धाम का वास मिलेगा, he will get it definitely। तो वो प्रभुपाद जी का डिसाइपल बोले कि प्रभुपाद आप ये कैसे कह सकते हैं, उन्होंने जो है ना प्रॉपर्टी के लिए आपके साथ 40 साल जो है ना केस लड़ा है, मुकदमा लड़ा है। 40 साल he was having arbitration with you for 40 years, so उसको जो है ना कैसे गोलोक मिल सकता है। तो प्रभुपाद जी ने एक सिंपल सा और शॉर्ट सा आंसर दिया, बिकॉज माई गुरु महाराज हैज एक्सेप्टेड हिम एज हिज डिसाइपल। हरि बोल। So he will definitely get Golok Vrindavan. Right, definitely. So thank you very much, Prabhu. Wonderful realization. Yeah. Thank you. Thank you for this. Very good realization. Thank you very much. Hare Krishna, Prabhuji. Thanks. Thank you, Prabhu. How is Mataji? Krishna Priti Mataji. Theek hai, Prabhuji. According to our age, we are good. Take care, Prabhu. You are in Delhi, no? I'm very much worried. Yes, please take Prabhuji. Care of yourself. Yes, yes. We'll speak sometime. I have not spoken to you. Sure, sure.
और एक और जो है ना आपसे एक दिन मैंने सुना था, पढ़ा भी था पहले, आप दिन आपने एक दिन कोट किया था चैतन्य चरितमृत कांति लीला 4.46, सही भक्त धन्य ये ना छाड़े प्रभुर चरण, सही भक्त धन्य ये ना छाड़े निज जन। वह भक्त धन्य है जो अपने स्वामी की शरण नहीं छोड़ता, और वह स्वामी धन्य है जो अपने सेवक को नहीं छोड़ता। सो इसके आगे वाले में बोलते हैं, दुर्दैव सेवक यदि जाय अन्य स्थाने, सही ठाकुर धन्य तारे झूले धरी जाने धरी आने। यदि संयोग वश सेवक सेवा से नीचे गिर जाता है तो अन्यत्र चला जाता है, तो वह स्वामी धन्य है जो उसको बालों से पकड़कर वापस लाता है। If by chance a servant falls down and goes somewhere else, glorious is that master who captures him and brings him back by the hair. This is written by Devaki Prabhu. Every time he writes, Maharaj Vyasa Puja, he writes this. Yes. He quotes this, yes. Yeah. Devaki Prabhu quotes. Yes, I know. Yeah. I remember this. Thank you, Prabhu, for this wonderful relationship. Thank you very much. Thank you, Bhavik Prabhu, Tamik Swan, Vaishnav Sai Prabhu and all the devotees in Rajkot. Tolerating me for 1 hour. Thank you very much. Please. Hare Krishna. Hare Krishna. Prabhuji, I have one question. Yeah, Prabhu. Prabhuji, today morning I was listening to Maharaji's one lecture of Surat, in which Maharaji was... No, I'm not able to hear you properly. Maharaji ka ek lecture hai, jisme Maharaji batate hai ki... Chintya Mansa Achyuta, aur bahut डिवोटीज को जोर देते हैं कि आप हमेशा अच्युत का ही चिंतन करिए पूरे दिन मन मन में। भागवत का श्लोक है जिसके फर्स्ट थ्री लाइन्स है, चिंत्य मनसा अच्युत। लेकिन हमारी लाइफ में रेगुलर ऐसा होता है कि अगर हम सुबह सुबह थोड़ी देर के लिए जब लेक्चर सुने होते हैं या माला की हुई होती है तो ये मोटिवेशन होता है वो सुबह थोड़ी टाइम के लिए रहता है। सुबह 8 बजे ऑफिस जाते हैं तो 10 बजे 11 बजे या 12 बजे तक ये मोटिवेशन रहता है। हम मन में डिसाइड करके जाते हैं कि कोई भी बिना बात का प्रजल्प नहीं करेंगे, कोई भी अननेसेसरी थिंकिंग नहीं करेंगे, मेंटल कंपोशन नहीं करेंगे। लेकिन जैसे टाइम जाता है 12 बजे 1 बजे उसके बाद वापिस हम मटेरियल नेचर में पड़ जाते हैं, मटेरियल मोड में, और उसके बारे में ही हम चिंतन करना चालू कर देते हैं और कृष्णा को भूल जाते हैं। ये रेगुलर का हो गया है, तो इसको हम रेगुलर प्रैक्टिस में कैसे लाया जाए कि पूरा का पूरा मोटिवेशन भी रहे और हम इससे जुड़े रहे। प्रभु एटलीस्ट थैंक गॉड प्रभु यू आर रिमेंबरिंग अप टू 11 o'clock इन द मॉर्निंग, नो दैट्स एक्सीलेंट। आई एम नॉट रिमेंबरिंग व्हाइल चैंटिंग द होली नेम्स मॉर्निंग भी आई एम नो सोच मंगलातीक, आई एम डूइंग इट सुपरफिशियली, चैंटिंग आल्सो सुपरफिशियली। प्रभु इट इज वेरी गुड दैट यू आर डूइंग अप टू 11 o'clock। महाराज इज एक्सट्रीमली प्लीज्ड। महाराज ये आप एक सोचना, महाराज ऐसा सोचते हैं हमारा एंडेवर केस है। महाराज नहीं सोचते द 24 आवर्स हमको करना है, वही गोल है, दैट इज द गोल, अल्टीमेट गोल। बट महाराज डजंट सी दैट यू हैव टू अचीव द गोल, महाराज सीज द एंडेवर। हमारा एंडेवर होना चाहिए कैसे हम कृष्णा को प्राप्त कर सकते हैं। और फिर भी एक याद करना है, महाराज महाराज गिवन अ नाइस वे ऑफ यू नो ही कोट्स 5:10 ऑफ भगवद गीता, ब्रह्मण्य आदाय कर्माणि संगम तत्वा करो दिया लिप्यते न पापेन पद्म पत्र व्याम्बस। ब्रह्मण्य आदाय कर्माणि मतलब आदाय कर्म, ब्रह्मण्य डेली रिजाइन मतलब क्या है, हमारा सर्विस ऑफिस में कर रहे हैं वो समय हम कृष्णा के लिए सेवा कर रहे हैं, वो मैं देख तो ये पर्सन के दे रहा हूँ वो पर्सन के हम सेवा कर रहा हूँ ऐसा मत सोचना, ये कृष्णा का सेवा कर रहे हैं। तो किसमें क्या होता है, यू विल डू इट परफेक्टली, वंस यू डू इट परफेक्टली फॉर द सेक ऑफ कृष्णा चैंटिंग ऑल्सो विल ट्राई, देन व्हाट हैपेंस दैट पर्सन बिकम्स प्लीज, he is also part and parcel of Krishna. So your boss getting pleased, the moment boss get pleased, then you are relieved of your work, and then you have time to think about Krishna, and then time to think about contemplative Krishna. And that is the way Maharaj told, brahmanya adakane sangam tatva, without any attachment, without any motive nahi hona chahiye, mere ko ye chahiye, promotion chahiye, aisa nahi hai, sirf Krishna ka seva kar raha hu, main boss ka seva kar raha hu, mera seva acha hona chahiye dil se, I should do it perfectly. Morning 9:30 to 5, I'll work like as if I'm a sincere worker. Maharaj says, sincere worker is not a devotee. If you are not a sincere worker, you are not a sincere devotee. So sincere worker,
यू शैल नॉट अशिप कर, इसका मतलब वेज माया, ये डिवोटी नहीं है, ये तो मेटीरियल भौतिक जन्म है, उनका क्या करना है, ऐसा नहीं सोचना। ये सेवा भी कृष्णा का सेवा, ये सेवा चाहिए क्योंकि मेरा शरीर, आई हैव टू टेक केयर ऑफ द शरीर, शरीर की वजह से मैं काम करना ही पड़ेगा, मेरा फैमिली को देखना ही पड़ेगा। अनलेस वी हैव द कंटीन्यूअस फ्लो ऑफ लक्ष्मी, हाउ कैन यू बी हैप्पी, हाउ कैन यू चैंट द होली नेम्स। सो इसलिए फ्लो ऑफ लक्ष्मी इज अ मस्ट, देयरफॉर वी हैव टू वर्क, एंड वी हैव टू वर्क इन सच अ वे दैट वी प्लीज कृष्णा इवन इन ऑफिस। दैट्स व्हाट वी शुड ट्राई, वही हिसाब से हम करेंगे तो बहुत अच्छा है। देन व्हाट हैपेंस, लिप्यते न पापेन, देन सिंस डजंट अक्रू, पद्मपत्र इवम वासा, यू आर लाइक अ लोटस इन द मटेरियल वर्ल्ड। लोटस कीचड़ा में होता है बट फिर भी कीचड़ा नहीं टच करता है, करेक्ट। सो हमारा सोल हमेशा इवन दो मटेरियल वर्ल्ड मटेरियल मोड्स में है पर टच नहीं करता, क्योंकि वी आर सीइंग मटेरियल वर्क एंड स्पिरिचुअल वर्क एज टू डिफरेंट लाइंस। नो, Maharaj says everything is Krishna. Even the material work in the office also Krishna. क्योंकि ये शरीर के लिए करना पड़ेगा ना, सो शरीर के लिए करना पड़ेगा, ये कृष्णा के लिए है। That's how we should see the angle of vision. हमारा angle of vision change करना, बदलना पड़ेगा। पद्मपत्र व्यामसा, then the lotus leaf doesn't get touched by कीचड़ा, even though it is in कीचड़ा, but it's not affected. That's how we should work. ऐसा हमारा काम ऐसा करना है, उनको प्रसन्न करना है। तुष्यति आशु बॉस, तुष्यति आशु बॉस, जनार्दन होता है, तुष्यति आशु जनार्दन का मतलब तुष्यति आशु बॉस, तुष्यति आशु बॉस, एंड बॉस इज नथिंग बट जनार्दन, तुष्यति आशु जनार्दन, ओके। एंड देन व्हाट हैज हैपेंड, सर्वेंद्र उपशांताय, योर सेंसेस आर अंडर कंट्रोल, एंड देन यू डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम हिम, यू हैव गॉट द सैटिस्फैक्शन, यू हैव डन द जॉब, सो santushta enakena va, you are always happy, daya sarvabhuta, you be merciful to everybody, even to your boss you are merciful, this is the way, and this is how we have to link bhagavatam and the day to day verse into our lives, and this is what Maharaj is giving. Try in this direction. I didn't try, I am only speaking. One day I will mix, maybe next janma if I take your feet, touch your feet and take shelter of your feet, I will follow that. In this life I have not done, I will try next life. I'm still struggling. Thank you, Prabhu. Thank you very much, Prabhuji. Everyone is struggling in this life. So now. मैं English और Hindi mix करके बोला है क्योंकि मेरा flow ऐसा नहीं है Hindi में. Yes, Prabhuji. So सब आप जो हृदय से बोले हैं वो पूरा का पूरा हम समझ रहे हैं क्योंकि भाव वो हृदय से होता है और वो हम directly समझ सकते हैं. Okay. Thank you very much, Prabhuji. हरे कृष्णा. तो अब हम ये लेक्चर की पूर्णाहुति की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो मैं इस्कॉन मंदिर राजकोट के प्रमुख श्री वैष्णव सेवा प्रभु जी की तरफ से सज्जन प्रिय प्रभु जी का खूब खूब धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने इतना सुंदर लेक्चर भगवान वासुदेव से मिलने का दिव्य विमान इस विषय के ऊपर दिया। प्रभु जी से फिर से नेक्स्ट सेशन में वापिस मुलाकात होगी, तब तक के लिए सबको हरे कृष्ण।